सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी में विराजित परमात्मा को मेरे अंतर आत्मा से जय बाबा स्वामी। मेरा नाम जूलीबेन दुधात है। मैं अमरेली के प्रगति नगर सेंटर से हूँ। समर्पण ध्यान संस्कार के साथ मैं दिसंबर 2009 में जुड़ी थी। उस टाइम पे इतनी सारी कठिनाई चल रही थी, इतनी घिरी हुई थी मैं अपने पारिवारिक प्रश्नों से कि क्या कहूँ मैं आपसे। उस टाइम एक सहेली मिली, उसने बोला कि अमरेली में एक शिविर होने वाला है, समर्पण ध्यान शिविर, उसमें तू 8 दिन तक जा, अगर तेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो तू करना ध्यान, वरना छोड़ देना। मैंने उसे स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। मन से ना हो गया था कि नहीं जाना है, फिर भी आत्मा बुला रही है, परमात्मा बुला रहे, तो आत्मा का एक खींचाव हो रहा था। फिर ऐसा खींचाव हुआ कि 7:45 बजे हम शिविर में पहुंच गए। फिर बाद में ऐसे करते करते एक पूरा शिविर हो गया, नहीं करना है फिर भी हो गया। तो सबसे पहली अनुभूति तो मेरी ये है कि शिविर नहीं करनी थी फिर भी हो गई, और 3 घंटे में किसी एक जगह पे बैठी हूँ, ये मेरी लाइफ का पहला अनुभव था। ये दूसरा, शिविर के लास्ट दिन जब गुरुदेव बोलते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या हो उसे आप एक कागज़ पे लिख के रख दो, अगर वो समस्या 45 दिन में निपटी तो समझो कि आप समर्पण ध्यान संस्कार से जुड़े हुए हो और आपका बीज बो गया है, अगर नहीं तो आप छोड़ देना। तो मेरा क्या हुआ कि 43वां दिन था, मुझे पक्का पता है, महाशिवरात्रि कार्यक्रम में हम लोग जाने वाले थे, 43वां दिन था। मैंने जो चिट्ठी में लिख कर रखा था वो ये था कि हे परमात्मा, अगर इस विश्व में कहीं सच्चे प्रेम की अनुभूति है तो वो आप मुझे कराए, बस यही गुरु कृपा में प्रार्थना है। तो क्या हुआ उस दिन, 43वां दिन था, एक जैसे कि एक फरिश्ता आया और मेरे हाथों से कुछ लेके चला गया। मैंने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। ये मेरे जीवन की समर्पण ध्यान से जुड़ने की सबसे बेहतरीन अनुभूति है, और समर्पण ध्यान से टिके रहने की भी बेहतरीन अनुभूति है। तो ये मेरी सबसे पहली अनुभूति है। दूसरा, पहला अनुष्ठान था उस दिन, संडे का दिन था, समुध्यान का दिन था। तो क्या हुआ कि घर से मैं निकली और मैं इतनी तेज़ी से जा रही थी कि मेरा पर्स गिर गया, मुझे पता नहीं चला कि कहाँ गिरा। फिर सेंटर पे नहीं पहुँची, वापस घर पे आई, ढूंढते ढूंढते बहुत चिंता में पड़ गई। तो इतना सा दिए में घी लगाया, तो क्या हुआ, मैंने बोला गुरुदेव से प्रार्थना कि ये घी खत्म होने से पहले मेरा पर्स मिल जाना चाहिए। तो क्या हुआ, घर से बाहर निकली तो एक आदमी पर्स लेके खड़ा था। दीदी आप ये ढूंढ रही थी, तो मैंने बोला हाँ। फिर पता चल गया कि वो क्या शक्ति है। दूसरी मेरी अनुभूति ये है कि
मेरे मम्मी पापा का देहांत हो गया था। उस टाइम पे मेरा भाई इतना टेंशन में आ गया था, मेंटली डिप्रेशन में आ गया था, तो उसने बहुत सारी गोलियां नींद की पी ली थी एक साथ में। उस टाइम अमरेली में जो कृषि शिविर कृषि वर्ष जाहिर हुआ था उसके दौरान गांव-गांव जाकर हम लोग शिविर कर रहे थे, तो मैं मौन पर करके गांव में शिविर में पहुंच गई थी। तो पीछे से न्यूज़ आया कि तेरे भाई ने बहुत सारी गोलियां पी ली है, और भाभी भी नहीं थी उस टाइम पे, मम्मी पापा कोई भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने रोते रोते इतनी ही प्रार्थना की गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, मैं तो वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगी, आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए, इस दुनिया में माँ बाप तो है नहीं, आप ही मेरे सब कुछ है, अब भाई के साथ क्या करना है वो आप समझिए। फिर छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि इतनी सारी गोलियां पीने के बावजूद भी वो एकदम से नॉर्मल से खड़ा था जब मैं घर पे गई। तो ये मेरी ज़िंदगी की दूसरी अनुभूति है। तीसरा, एक दिन हम सेंटर है वहाँ से ध्यान करके जा रहे थे। वो जगह ऐसी है कि उस जगह पे बहुत सारे जानलेवा एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो कोई आगे बोलता है, पाँच सात सालों से पहले की ये बात है कि वहाँ पे एक श्मशान था, तो उस जगह पे ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। हम दोनों माँ बेटे गाड़ी लेकर जा रहे थे, बिल्कुल शांति से, कोई हड़बड़ी नहीं थी, किसी जगह का कोई काम नहीं था, सीधा घर ही जाना था, तो हम लोग जा रहे थे। फिर क्या हुआ, अचानक से मेरी गाड़ी उछली, मेरा बेटा शायद 10 फुट से ज़्यादा उछल कर गिरा उस जगह पे, और मैं भी इस रोड के इस साइड, मेरा बेटा उस साइड। पर गुरु कृपा में हम दोनों को एक खरोच भी नहीं आई, और जितने लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए वो लोग बोले कि आपके साथ कोई शक्ति है, वरना आप बच नहीं पाते। तो गुरु कृपा में गुरु शक्तियाँ सदैव हमारे साथ होती है, जब चित्त गुरु चरण में होता है तो ये उसका है। और दूसरा, मैं जब समर्पण ध्यान में आई उससे पहले गायत्री मंत्र के अनुष्ठान मैंने बहुत किए थे, तो कुछ मंत्र तंत्र जाप ऐसा तो अनुभव था, पर भक्ति भाव और अध्यात्म में क्या अंतर है ये मुझे पता नहीं था। तो चैतन्य महोत्सव 2018 की ये बात है कि जब गुरुदेव ने ओरा दर्शन करवाए थे तब सबको अलग अलग किस्म की अनुभूतियाँ हुई थी। तो क्या किसी को पिंक कलर का दिखा था प्रकाश, किसी को ऑरेंज कलर का दिखा था, पर मुझे कुछ नहीं दिखा। अपने आप में एक ग्लानि होने लगी। उस टाइम मेरे समर्पण ध्यान से जुड़ने के 8 साल कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने ग्लानि हुआ, मुझे क्या हुआ कि अरे बाबा, 8 साल से ध्यान कर रही हूँ, गुरु कार्य कर रही हूँ, यहाँ इस सानिध्य में आई हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं दिखा। कितनी अंदर से मैं कितनी अभी पूरा नहीं हुआ है मेरा कुछ, ऐसा लगा मुझे। तो घर पे भी पहुंच गए, चैतन्य महोत्सव कंप्लीट हुआ तो घर पे भी पहुंच गए ग्लानि के साथ। फिर मेरी भाभी ने अपने घर पे प्रवचन स्टार्ट किया। उस प्रवचन में गुरुदेव ने स्पष्ट बोला कि अगर किसी प्रवचन के दौरान या ध्यान के दौरान आपको कुछ नहीं दिखता है तो ये सहस्त्रार पे पहुंचने की स्थिति है। तो वो दौड़ी दौड़ी आई मेरे घर पे और बोली, दीदी आपको, आपकी क्या स्थिति है आपको पता है कि गुरुदेव ने बोला है अगर आपको कुछ नहीं दिखता है, शून्य है, तो समझो कि आप सहस्त्रार पर पहुंच गए हैं। अरे बाबा, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ पे पहुंची, पर मुझे इतना पता है कि गुरुदेव के चारों हाथ मेरे और मेरे परिवार पर है, ये मुझे पता है। दूसरा, घर में इतना सारा व्यसन था मेरे पति को, मेरे भाई को, पर धीरे धीरे वो व्यसन छूटे। गुरुदेव कहते हैं ना कि वो दर्जी का एक उदाहरण दे के बोलते हैं ना कि वो रोज़ अपनी बीवी को छोड़ने आता था तो एक दिन सेंटर पे बैठ गया, बस ऐसा ही कुछ हमारे परिवार में हुआ। गुरुदेव के बारे में ऐसा तैसा बोलते बोलते भी उनका चित्त तो गुरुचरण में जाता ही था। फिर इनकी इतनी प्रगति हुई, अभी मेरा भाई और मेरा हस्बैंड दोनों ही अच्छी तरह से जॉब पे लग गए हैं, और भाई तो गुरु कृपा में दोनों टाइम ध्यान कर रहा है, गुरु कार्य कर रहा है।
तो मेरी सभी चिंताएं दूर हो गई। इस साल गुरुदेव ने जब बाल शिविर यानी कि बाल वर्ष जाहिर किया है तो जैसे कि पूरा परिवार गुरुदेव ने खींच लिया अपने सानिध्य में। मेरे अभी बच्चे नहीं जुड़े थे क्योंकि बच्चों को शायद बोरिंग जैसा लग रहा था, पता नहीं क्या है, पर इस साल जो राजकोट में जो शिविर हुई बाल वर्ष की, तो वो इतनी अच्छी तरह से गुरु कार्य करने लगे और इतनी अच्छी तरह से ध्यान में जुड़ गए। ये सब गुरु कृपा है। और मेरी आंगनवाड़ी में मैं जॉब करती हूँ, तो अभी हमें अभी अभी मोबाइल मिले हैं। वो ऑनलाइन 24 घंटे हमें ऑनलाइन रहना होता है। तो एक दिन क्या हुआ कि संचालक की मीटिंग थी राजकोट सिंधावदर में रिट्रीट के शिविर के बाद, तो अगर जो मेरा मोबाइल ऑन होता है तो मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही वाली थी। तो क्या हुआ कि सोमवार को ये मीटिंग होने वाली थी और मुझे छुट्टी चाहिए थी, तो सैटरडे को यानी शनिवार को ही मेरा मोबाइल बंद हो गया। तो मैं मैडम को बोली कि मैडम मेरा मोबाइल बंद हो गया है, तो उन्होंने बोला केयर में जाके दिखा दो। तो केयर वाले के साथ मैडम की बात करवाई, तो केयर वाले ने बोला कि 8 दिन तक इन दीदी का मोबाइल स्टार्ट नहीं होने वाला है। गुरु कृपा ऐसी हुई कि मोबाइल बंद था तो इसीलिए मुझे छुट्टी भी मिल गई। तो इस तरह से गुरुदेव सच्चे मन से अगर प्रार्थना करते हैं और गुरु चरण में चित रख के हम कोई इच्छा करते हैं, तो 10 सालों का अनुभव है कि एक बात एक इच्छा भी ऐसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी ऐसी नहीं कि जो पूरी नहीं हुई। और दूसरा जो मैंने बताया कि मेरे भाई और मेरे पति को व्यसन था, तो ऐसा करके करके 5-6 लाख का कर्जा हो गया था। वो कर्जा मेरे पैर था, मेरे नाम पे था, बैंक की एक लोन थी, पापा का जो घर है उस पे लोन थी, वो घर शायद 50-60 लाख का है, पर वो मैंने 5 लाख में मॉर्गेज करवाया था और 5 लाख की कोई व्यवस्था हो नहीं रही थी। उस दौरान मैंने मेरे पापा के घर के और मेरे घर के दोनों के नाम गुरुदेव से प्रार्थना करके नामकरण करवाया, तो दोनों घर का नाम आ गया। पापा के घर का सदगुरु और मेरे घर का गुरुश्री, ऐसे करके नाम आया। 2019 की गुरु पूर्णिमा आने वाली थी और उसके 5 दिन पहले मेरे जेठ जी का फ़ोन आया कि वो जो लोन भरने वाला था उसमें क्या हुआ, आपसे कुछ व्यवस्था हुई कि नहीं। तो मैंने बोला नहीं हुई है। तो हम गुरु पूर्णिमा करके आए तो इतनी गुरु कृपा बरस गई कि मेरे जेठ जी का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने मेरे बदले लोन भर दिया और मेरे दोनों घर बच गए और मैं बेघर नहीं हुई। गुरु के दरबार में कोई कभी बेघर नहीं होता। अगर सच्चे मन से गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरु के चरण में चित रखते हैं, गुरु कार्य करते हैं, तो गुरुदेव 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं। बस आप सभी कुछ है बाबा स्वामी, एक प्रार्थना है कि हे परमात्मा, गुरुदेव की वसुधैव कुटुंबकम की जो इच्छा है वो इच्छा पूरी करने में मुझे माध्यम बनने का अवसर प्रदान करें। जय बाबा स्वामी।